जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। हाँ, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। भूल गए ताली बजाना, जय हो। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा, तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगा कर, मन में प्रभु से प्रीत लगा कर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जय हो। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको कांटे, जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको कांटे। हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर। बाहों में भर लीजिए, बाहों में भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जय। सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो, मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में, सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो। हर मुहूर्त में प्रभु की सूरत, हर मुहूर्त में प्रभु की सूरत। प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
मधुर सोचिए मधुर बोलिए मधुर मधुर व्यवहार करे मधुर सोचिए मधुर बोलिए मधुर मधुर व्यवहार करे अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे चंद्र प्रेम की बंशी बजाकर चंद्र प्रेम की बंशी बजाकर आनंद से भर लीजिए आनंद से भर लीजिए जीवन है उपहार प्रभु का इसको रोशन कीजिए पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए जीवन है उपहार प्रभु का इसको रोशन कीजिए पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए शांति से भर लीजिए। अब तक हमने इंसान की सोच इंसान की वाणी और इंसान के व्यवहार को बेहतर बनाने के गुर सीखे। आज हम एक ऐसे बिंदु पर गौर कर रहे हैं जो कि सोच वाणी और व्यवहार का आधार है। इंसान का मन इंसान की समस्त गतिविधियों का पुरोधा है। जैसे बैलगाड़ी का चक्का बैलों का अनुसरण किया करता है, वैसे ही इंसान की समस्त गतिविधियां इंसान के मन का अनुसरण किया करती है। जैसे इंसान की छाया को इंसान से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही इंसान के जीवन की किसी भी गतिविधि को इंसान के मन से मुक्त नहीं किया जा सकता। इंसान का मन ही इंसान की समस्त गतिविधियों का आधार है। हमारा मन ही हमारे जीवन का दर्पण है और हमारा मन ही हमारे जीवन का दलदल है। पाप का आधार भी स्वयं मनुष्य का मन होता है और पुण्य का आधार भी मनुष्य का अपना मन है। अगर इंसान का मन अच्छे रास्ते पर गतिशील रहे तो इंसान के मन से बढ़कर इंसान का और कोई मित्र नहीं होता, और इंसान का मन अगर गलत रास्ते की तरफ बढ़ता रहे तो इंसान के मन से बढ़कर उसका और कोई दुश्मन नहीं होता। जब जब इंसान का मन प्रेम शांति और आनंद से भरा हुआ रहता है तब तब इंसान की हथेली पर स्वर्ग रहता है, और जब जब इंसान का मन ईर्ष्या चिंता और क्रोध से घिरा हुआ रहता है तब तब इंसान के साथ ही उसका नरक जिया करता है। अध्यात्म की यात्रा अंधकार से शुरू होती है और प्रकाश की तरफ बढ़ती है। हम लोग सप्ताह को मंडे से शुरू करते हैं और संडे पर ले जाकर पूरा करते हैं। मन की यात्रा मन डे से शुरू होती है। मन का अर्थ होता है मून। मून का अर्थ अगर हम चंद्रमा लगाते हैं तो अमावस की अंधकार से मन डे की शुरुआत होती है। अगर व्यक्ति को अपने मन को पवित्र करना है तो उसे मंगलवार में प्रवेश करना होगा, और मंगलवार हमें मंगल भावों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है।
मंगल भाव तभी ग्रहण हो पाएंगे जब इंसान बुधवार की शरण लेगा, और बुधवार बुद्धि का वार है, जो कि हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि ऐ मानव, अगर तुम मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो बुद्धि के साथ अपनी मित्रता साधो। बुद्धि को परिपक्व करने के लिए गुरुवार की तरफ बढ़ना होता है। गुरुवार हमें गुरु की शरण में ले जाना चाहता है। जब कोई भी व्यक्ति गुरु की शरण में पहुंचता है, गुरु उसे अपना ज्ञान देते हैं, तब व्यक्ति शुक्रवार के दिन कदम रखता है, और शुक्रवार का दिन हमें गुरु के प्रति शुक्रिया अदा करने की प्रेरणा देता है। अगला दिन है शनिवार। शनि हमारे जीवन का बाधक है, चाहे वह अहंकार के रूप में कहलाए, चाहे वह क्रोध के रूप में कहलाए या चिंता के रूप में, लेकिन शनि बाधक है। और जो व्यक्ति शनि पर विजय प्राप्त कर लिया करता है, वो हर कोई व्यक्ति मंडे से यात्रा शुरू करता है और संडे पर जाकर के अपनी यात्रा पूर्ण किया करता है। संडे अर्थात सन का दिन, संडे अर्थात सूर्य का दिन, संडे अर्थात प्रकाश का दिन। अंधकार से शुरू होने वाली यात्रा प्रकाश पर जाकर के पूर्ण होती है, यही है मंडे से संडे की यात्रा। हर किसी व्यक्ति को अपने मन को संडे की तरफ ले जाना होता है, प्रकाश की तरफ ले जाना होता है, प्रकाश पथ का पथिक बनाना होता है। हर किसी व्यक्ति को अपने अपने मन को चिन्हना होगा, अपने अपने मन को पहचानना होगा और देखना होगा कि उसके मन की अपनी अंतर्दशा क्या है। हो सकता है कोई व्यक्ति बड़ी शांत प्रकृति का हो लेकिन विकृत मानसिकता का हो, हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से बड़ा गुस्सैल दिखता हो लेकिन मन से गुस्सैल न हो। सबके अपने अपने मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। आज हम लोग अपने अपने मन से रूबरू होंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा मन कैसा है, हमारे मन का स्वरूप कैसा है, हमारे मन की लेशाएं कैसी हैं, और तब हम समझेंगे कि अपने मन की शांति का राज क्या हो सकता है। इंसान के मन के अलग अलग चरण हैं। पहला चरण है जिसे हम कहेंगे तोलु मन। जो मन इंसान का हर समय तोलता रहता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच में जो निर्णय नहीं ले पाता, बल्कि हर समय दोनों के बीच में मूल्यांकन करता रहता है, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, ऐसे मन को हम कहेंगे तोलु मन। इंसान का दूसरा मन है जिसे हम कहेंगे बोलु मन। जैसे कोई इंसान बड़ बोला होता है, हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है, ऐसे ही जिसका मन भी रात और दिन, दिन में भी और रात में भी सोया हुआ है, तब भी जब किसी का मन रात दिन डोलता रहता है, बोलता रहता है, बड़ बोले व्यक्ति की तरह बोलता रहता है, तो ऐसे मन को हम कहेंगे बोलू मन। मन का तीसरा चरण है जिसे कि हम कहेंगे कल्लू मन। जो केवल आने वाले कल के बारे में या बीते हुए कल के बारे में जो सोचता रहता है, कल या तो बीता हुआ कल या आने वाले कल के बारे में, या तो भूत के बारे में या भविष्य के बारे में, जो इंसान का मन डोलता रहता है, सोचता रहता है, ऐसे मन को संज्ञा देंगे हम कल्लू मन की संज्ञा। एक और मन है जिसे हम कहेंगे गधा मन। जो हमेशा गधी के बारे में सोचता रहता है, खड़ा है चौराहे पर, धूप पड़ रही है लेकिन फिर भी ख्याल नहीं रख पाता और हर समय अपनी गधी के बारे में ही सोचता रहता है, ऐसे मन को हम कहेंगे गधा मन। सबके मन के अलग अलग रूप हैं। एक मन को हम कह देंगे गुस्सैल मन। थोड़ी सी बात हुई और बात के होते ही आदमी आग बबूला हो जाता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा दिलाने के लिए इंसान पर कोई आग फेंकनी पड़ेगी, बल्कि छोटी सी बात भी आदमी को गुस्सा दिला देती है। एक छोटा सा निमित्त आया, एक बच्चे से कांच की गिलास फूटी अथवा बेटे से शाही की दवात फूट गई, और फूटने के साथ ही वो आदमी आग बबूला हो गया। न केवल आग बबूला हुआ, वरन भूत भविष्य की 100 तरह की बातें भी तब बरसाना शुरू कर देता है। ये इंसान का मन है जो कि हम उसे हम गुस्सैल मन कहेंगे। मन के अलग अलग रूप हैं। ये सब नेगेटिव मन हैं, ये सब माइनस मन हैं। जिस व्यक्ति के मन इस तरह के होते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा नुकसान उठाता है, घाटा उठाता है, वह हमेशा अपने मन से उचते हुए मन का रहता है, हमेशा अपने मन से डिप्रेशन में रहता है या तेजी में रहता है या गुस्से में भरा हुआ रहता है। व्यक्ति का प्लस मन भी है, और प्लस मन ये है जिसे हम कहेंगे वर्तमन। इंसान का जो मन
हमेशा वर्तमान के बारे में सोचता है, वर्तमान के बारे में चिंतन करता है, वर्तमान की समस्याओं का समाधान तलाशता है, उसे हम कहेंगे वर्तमन। मन को अगले चरण में हम लोग कहेंगे सुमन। मन की वह दशा जहां इंसान दूसरे के द्वारा विपरीत व्यवहार किए जाने के बावजूद अगर व्यक्ति सही और अच्छा व्यवहार करने को तैयार हो जाए तो ऐसे मन को हम कहेंगे सुमन। सुमन अर्थात अच्छा मन, सकारात्मक मन को हम कहेंगे सुमन। मन का अगला चरण है जिसे हम कहेंगे हनुमन। हनुमन अर्थात जो हनुमान की तरह भक्ति में रसलीन हो चुका है, ऐसे मन को हम कहेंगे हनुमन। हनुमन अर्थात जो हनु की तरह, जो हनुमान जी की तरह भक्ति में रमण करने लग चुका है, ऐसे मन को हम कहेंगे हनुमन। कहते हैं कि सीता ने हनुमान जी को मोतियों की माला उपहार में दी थी जब लंका विजय करके लौटे थे। तब सीता ने अयोध्या प्रवेश पर हनुमान जी को मोतियों का हार दिया था। हनुमान जी ने मोतियों के हार को लिया, एक एक मोती को तोड़ने लगे और मोती ज्यों ज्यों टूटते चले गए। सीता को गुस्सा आया। सीता ने हनुमान को कहा, तुमने मेरे 9 लाख हार को इस तरह से तोड़ दिया, और ये 9 लाख का हार था और तुमने मोतियों के हार को तोड़ दिया। हनुमान ने कहा, माते ये आपके लिए 9 लाख का हार होगा, मेरे लिए तो ये कौड़ियों का हार है। बोले, किस आधार पर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा कौड़ियों का हार है? बोले, माते इस मोती में, किसी भी मोती में न तो राम है न सीता है, न राम की परछाई है और न सीता की परछाई है। जिस मोती में राम और सीता न हो वो मोती मेरे लिए तो कौड़ियों का ही मोल रखेगा। जैसे ही हनुमान ने ये बात कही, सीता ने कहा कि तुम तो ऐसे कहते हो कि जैसे तुम्हारे दिल में भगवान रहती हैं, राम जी और सीता जी का वास ही है। हनुमान ने कहा, माते अगर विश्वास न हो तो देख लो। और ये कहते हुए हनुमान ने झट से अपनी छाती चीर डाली और छाती के चीरते ही राम और सीता जी के दर्शन हो गए। जिस व्यक्ति का मन, अंतर मन हर समय भक्ति में लीन रहा करता है, भक्ति में लीन रहकर के जिसने अपने मन को संस्कारित और परिष्कृत कर डाला है, ऐसे मन को हम कहेंगे हनुमन। मन का अगला चरण है जिसे कि हम कहेंगे शांत मन। संतों का मन शांत मन रहा करता है, ऐसे मन को हम शांत कहेंगे। जिसे कि अगर कोई व्यक्ति आकर के गाली भी दे दे, अपमान भी कर डाले, लेकिन फिर भी जिसका मन हर हाल में जिसका शांत बना रहता है, ऐसे मन को हम कहेंगे शांत मन। आज हम लोग अपने मन को शांत करने के तौर तरीके समझेंगे और मन की उस स्थिति से मुलाकात करेंगे जो मन हमारा वर्तमान मन है और जिस मन को परिष्कृत करके हम लोग संस्कारित कर पाएंगे। सामान्य तौर पर हर किसी व्यक्ति का मन अशांत मन रहता है। व्यक्ति कि जिसका मन शांत है उससे बढ़कर उसका और कोई सौभाग्य नहीं होता, जिसका मन अशांत है इससे बढ़कर के उसका और कोई दुर्भाग्य नहीं होता। मन की शांति से बढ़कर जीवन में और कोई दौलत नहीं होती और मन की अशांति से बढ़कर के जीवन में और कोई दरिद्रता नहीं होती। मन में अगर शांति है तो थोड़े से साधन भी सुख दिया करते हैं, मन में अगर शांति नहीं है तो ढेर सारी अमीरायत भी इंसान को काटा करती है, कचोटा करती है। लोग अपने मन की शांति को पाने के लिए कई लोग तीर्थों की यात्रा के लिए जाते हैं ताकि वहां जाकर के अपने मन की शांति के मालिक बन सके। कई लोग शराब के शरण में चले जाते हैं, शराब पीते हैं और शराब पी करके अपनी अशांति को मिटाना चाहते हैं। कई लोग गुरु महाराजों की शरण लिया करते हैं और गुरु के पास जाकर के अपनी शांति की तलाश करते हैं। अगर आप तीर्थ में जाएंगे तब तक आपका मन शांत रहेगा जब तक आप 7 दिन तक तीर्थ पर हैं। अगर आप शराब पिएंगे तो तब तक आपका मन शांत है जब तक शराब का नशा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, और जब तक आप गुरु महाराज के पास रहेंगे तब तक व्यक्ति का मन शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही उस वातावरण से हटे कि गधा जैसा था वापस वैसा ही रह गया, घाणी का बैल दिन भर घूम ले लेकिन जब रुकता है तो वहीं अपने आप को पाता है जहां से कि उसने यात्रा की शुरुआत की थी। तो फिर जब मन की स्थिति यही है कि हर हाल में कहीं भी चले जाओ वो अशांत रहता है, तो हमें शांति के लिए करना क्या होगा?
अगर किसी भी व्यक्ति को शांति चाहिए तो उसे शांत रहना सीखना होगा। अगर शांति चाहिए तो शांत रहना सीखना होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता तो है शांति, लेकिन मन में पालता है चिंताएं, तो ऐसा व्यक्ति शांति का मालिक नहीं बन सकता। जो व्यक्ति चाहता तो है शांति, लेकिन हर समय हो हल्ला करता रहता है, ऐसा व्यक्ति शांति का अधिपति नहीं बन सकता। चाहता तो है शांति, चाहता तो है कि मैं स्वर्ग लोक का अधिपति बनूं, लेकिन चंड कौशिक बनकर के अगर कोई व्यक्ति सांप की तरह फुफकारता है तो ऐसा मत समझना कि कोई व्यक्ति अथवा कोई जीव सांप योनि में है तो ही फुफकारते हैं। हकीकत यह है, इंसान के जीव में भी, इंसान की योनि में भी कई लोग सांप होते हैं, जो बात ही बात में एक एक मिनट में फुफकारते रहते हैं, सांड की तरह सींग मारते रहते हैं, बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं। इंसान ऐसा नहीं कि केवल बिच्छू, इंसानों में भी बिच्छू छिपे हुए रहते हैं, इंसानों में भी सांप छिपा हुआ है और इंसानों में भी सांड छिपा हुआ रहता है। क्यों भूलते हैं इस बात को कि जब महावीर पहुंचे थे चंड कौशिक सांप के पास, तो महावीर ने चंड कौशिक से यही कहा था, बुज्ज बुज्ज ऐ चंड कौशिक, तू बोध को प्राप्त हो, तू शांति को प्राप्त हो। महावीर ने चंड कौशिक को संबोधित किया, एक सांप को संबोधित किया, और सांप को संबोधित करते हुए कहा था, शांत 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 ऐ जीव, अगर तू इस तरह से क्रोध करता रहा तो सोच तू किस तरह से और कब तक अपना भव भवांतर करता रहेगा, जन्म जन्मांतर करता रहेगा और इसी तरीके से भटकता रहेगा। सोच जरा अपने अतीत को याद कर, और तब सांप ने अपने अतीत को देखा, पूर्व जन्म को देखा और देखा कि वो भी कभी एक संत थे, मास क्षमण की तपस्याएं करते थे, लेकिन एक दफा शिष्य ने गुरु से कहा था कि गुरुदेव आज आपके पांव के नीचे एक मेंढक आकर मर गया, शाम का समय है, आप संध्या वंदन कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित कर लीजिए। एक शिष्य गुरु को ज्ञान दे, भला कोई गुरु ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। गुरु ने शिष्य को डांट लगाई, चुप बैठ, आया है बड़ा भारी ज्ञान देने वाला। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने अपने पांव से देखा कि एक छोटा मेंढक आपके पांव के नीचे आकर मर गया, पंचेंद्री की हत्या हो गई, प्रायश्चित कर लीजिए। गुरु ने कहा, अरे तू क्या देखता है, क्या मेरे आंखें नहीं है क्या, क्या मैं अंधा हूं क्या। शिष्य ने कहा, गुरुदेव हो सकता है आपका ध्यान कहीं और हो, मैंने अपनी आंखों से देखा आपके पांव के नीचे से मेंढक आकर आकर के मर गया था। गुरु को आया गुस्सा, गुरु ने उठाई लाठी और शिष्य को मारने के लिए दौड़े। जिस स्थान पर गुरु थे वहां अंधकार था, सांझ पड़ चुकी थी, गुरु उठे, शिष्य तो बच्चा था, दौड़ चला, लेकिन गुरु खंभे से टकराए और वहीं पर ही ब्रेन हेमरेज हो गया, मरे, और मरकर के चंड कौशिक सांप हो गए। जरा सोचो कि अगर कोई सांप अतीत में संत था, अगर कोई संत मर करके सांप बन जाएगा, तो आम इंसान सोचे कि वो गुस्सा कर करके अपने भव भवांतर किस तरह से सुधार पाएगा। एक संत बनकर के भी अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, व्यक्ति की गति बिगड़ती है और व्यक्ति तब सांप बन जाता है, लेकिन तब महावीर का संपर्क मिलता है, महावीर का सानिध्य मिलता है, और महावीर के सानिध्य से चंड कौशिक नहीं रहता, बल्कि चंड कौशिक भी भद्र कौशिक बन जाता है, और वही सांप 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 अगर सुधर जाए तो श्रावक बन जाता है, सांप अगर गुस्सैल श्रावक अगर गुस्सैल हो जाए तो वही सांप बन जाता है, सांप अगर सुधर जाए तो वही संत बन जाता है, संत अगर बिगड़ जाए तो वही सांप बन जाया करता है, और तब सांप की योनि में कोई जीव सुधर गया, गुस्से पर उसने अपना काबू पा लिया और वही मरकर के स्वर्ग का अधिपति बना। शांति स्वयं व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मुझे शांति चाहिए, तो उसे शांत रहना होगा, शांत रहना सीखना होगा, जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अपनी शांति को आत्मसात करना होगा। केवल सामायिक कर लेने भर से कोई व्यक्ति शांत नहीं हो जाता है, केवल प्रतिक्रमण कर लेने भर से कोई व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं हो जाता है। पापों से अगर मुक्त होना है तो पापों से मुक्त होने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति को समता और शांति को धारण करना है तो प्रैक्टिकल लाइफ में
अभी तो हर कोई व्यक्ति चुप बैठा है, मौन बैठा है, गुस्सा करोगे तो किस पर करोगे। लेकिन जब यहां से घर पर पहुंचे और वहां पर अगर सासू मां ने दो टेढ़ी बात कही और फिर भी अगर आप शांत रहे तो वो कहलाएगी इंसान की असली सामायिक। यहां तो सामायिक का अभ्यास है और वहां पर सामायिक की असली कसौटी है। कसौटी पर अगर खड़े उतर गए तो वो कहलाएगा कि हमने सच्ची सामायिक की है। अगर सामायिक का व्रत करके भी आप गुस्सा कर बैठे तो सामायिक खोटी, और अगर कोई व्यक्ति सामायिक का व्रत नहीं लेता पर फिर भी शांति रखता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर समता का वाहक कहलाएगा, शांति का वाहक कहलाएगा। आप लोग टीवी चलाते हैं, टीवी पर चैनल चलाते हैं, जब जो चैनल चलाते हैं तब वैसे दृश्य टीवी में उभर कर आते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग में शांति का चैनल चलाएंगे तो आपके दिमाग में भी शांति के दृश्य उभर कर आएंगे, और अशांति के चैनल चलाएंगे तो आपके दिमाग में भी अशांति के दृश्य ही उभर कर आएंगे। जैसा चैनल अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में जैसा चैनल चलाना चाहेंगे वैसी ही व्यवस्थाएं आपके जीवन में लागू होगी। अगर आप चाहते हैं कि शांत रहें तो आपको ये संकल्प लेना होगा, ये संकल्प, ये फैसला करना होगा कि आग लगे चाहे बस्ती में पर अपन रहेंगे मस्ती में, चाहे जैसी स्थिति आ जाए लेकिन अपन तो हर हाल में शांत 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 रहेंगे। लाख कुर्बानियां देकर भी जिस चीज को हर हालत में बरकरार रखा जाना चाहिए वो है इंसान की शांति। लाख कुर्बानियां देकर भी अगर पत्नी के साथ रहने से आपको शांति मिलती है तो पत्नी कबूल, पर पत्नी के साथ रहने से अगर अशांति मिलती है तो पत्नी भी त्याज्य है। अगर माता पिता के साथ रहकर, साथ में घर में रहकर के अगर शांति मिलती है तो माता पिता स्वीकार, और अगर अशांति मिलती है तो माता पिता भी त्याज्य। हर हालत में जिस दौलत को बरकरार रखा जाना चाहिए, हर हालत में जिस खजाने को बरकरार रखा जाना चाहिए वो खजाना है इंसान के मन की शांति। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी दे दो लेकिन शांति रखो। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं, मैंने कभी सोचा, धर्मशास्त्रों ने कहा था कि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए अमुक अमुक उपाय करने होंगे। मेरे अंतर मन में कभी भी ये जिज्ञासा पैदा ना हुई कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, बल्कि अपने आप का मूल्यांकन किया, अपने आप की समीक्षा की और तब अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि मैं हर हालत में एक तत्व को प्राप्त करके रहूंगा और वो तत्व है मन की शांति। मैंने मन की शांति पाई, मन की शांति का मालिक बना, मन की शांति में ही समाधि के दर्शन किए और परिणाम ये निकला, चाहे कोई जिए, चाहे कोई मरे, चाहे कोई पैदा हो, चाहे कोई गुजर जाए, चंद्रप्रभ तो शांत था, शांत है और शांत बना हुआ रहता है। स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन ये तो परिस्थितियों के बदलने के बावजूद अगर ये आपका फैसला है कि मैं तो हर हालत में शांत 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 रहूंगा तो आप हर हालत में शांत 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 रह लेंगे। और जिस व्यक्ति का मन ही शांत नहीं है, अशांत है, ऐसा व्यक्ति जीते जी भी केवल भव भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है, सोए हुए भी भटकता रहता है और जागे हुए भी भटकता रहता है। कोई दिन में सपने देखता है, कोई रात में सपने देखता है, लेकिन भव भ्रमण जारी रहता है। ऐसा ना समझे कि मरने के बाद ही भव भ्रमण होता होगा, जिसका मन भटकता है वो आज भी भव भ्रमण ही कर रहा होता है। तो अपने दिमाग में चैनल कौन सा चलाओ, शांति का चैनल चलाओ ताकि आपके जीवन में शांति रहे। कृपा करके अपने आप को माचिस की तीली मत बनाइए, कृपा करके अपने आप को माचिस की तीली मत बनाइए कि थोड़ा सा घर्षण लगे और थोड़ा सा घर्षण लगते ही आग सुलग उठे, कि छोटी सी बात बने कि छोटी सी बात बनते ही आप आग बबूला हो उठे। अपने आप को माचिस की तीली मत बनाइए, बल्कि अपने आप को बनाना है तो सागर और सरोवर बनाइए। अगर अपने आप को बनाना है तो चंद्रप्रभ सागर या ललितप्रभ सागर बनाइए कि जिसमें अगर कोई अंगारा आकर के भी गिर जाए तो बुझ जाए, अगर कोई अंगारा आकर के गिर जाए तो बुझ जाए। सागर में अगर अंगारा डालोगे तो क्या होगा, आग लग जाएगी। हर हाल में जिस चैनल को हमें अपने दिमाग में, अपने अंतर्मन में चलाना चाहिए वो है शांति का चैनल। हर हालत में शांति, हर हालत में शांति। कहते हैं
भगवान बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते में उन्हें एक ऐसा डाकू मिला जिस डाकू का प्रतिदिन का यह नियम था कि इंसानों की अंगुलियां काट काट करके अपनी देवी को चढ़ाना। उस डाकू ने अब तक 999 अंगुलियों को काट लिया था और 999 अंगुलियों की माला अपनी देवी को चढ़ा चुका था। उसे अंतिम अंगुली की जरूरत थी ताकि वो अपना यज्ञ पूरा कर सके और अंतिम अंगुली के रूप में वो किसी इंसान की इंतजारी कर रहा था। भगवान श्री बुद्ध उसी रास्ते से गुजरने लगे। लोगों ने उन्हें टोका कि इस रास्ते में भयंकर रक्त पिपासु अंगुली माल रहता है, है कृपा करके इस रास्ते से हम न जाएं। लेकिन बुद्ध किसी बात को न सुने और उसी रास्ते से निकल पड़े। भगवान बुद्ध आगे बढ़ते गए। अंगुली माल ने दूर से ही देखा एक भिक्षु एक संत चला आ रहा है। डाकू अंगुली माल ने सोचा कि मैं नहीं चाहता था कि अंतिम अंगुली के रूप में मैं किसी संत की अंगुलियां काटूं, किसी भिक्षु की अंगुलियां काटूं। उसने दूर से ही कहा, ऐ भिक्षु, तू जहां खड़ा है, तू जहां चल रहा है, वहीं पर ही खड़ा हो जा, वहीं से वापस चला जा, रुक जा। अंगुली माल की आवाज गूंजी। बुद्ध ने धीरे से मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ऐ अंगुली माल, मैं तो रुका हुआ हूं, अगर हो सके तो तू रुक जा, मैं तो रुका हुआ हूं, अगर हो सके तो तू रुक जा। अंगुली माल ने सुना, जैसे ही सुना कि भिक्षु कह रहा है कि मैं तो रुका हुआ हूं, हो सके तो तू रुक जा, सोचने लगा, ये भिक्षु असत्य कैसे बोल रहा है। अरे अंगुली माल तो पहाड़ पर खड़ा है और ये भिक्षु चल रहा है, जबकि ये कहता है कि ऐ अंगुली माल, मैं तो रुका हुआ हूं, तू रुक जा। डाकू दौड़ा हुआ चला आया और आकर के कहने लगा, ऐ भिक्षु, तुमने असत्य कैसे बोला? लोग कहते हैं कि भिक्षु मुनि कभी झूठ नहीं बोलता और तुमने झूठ कैसे कहा? बुद्ध ने कहा कि ऐ अंगुली माल, मैं तो देखो रुका हुआ हूँ, तुम ही चल रहे थे, मैं तो शांति में रुका हुआ हूँ, मैं तो करुणा में रुका हुआ हूँ, मैं तो अहिंसा में रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम चल रहे हो, तुम हिंसा में चल रहे हो, तुम आक्रोश में चल रहे हो, तुम आतंकवाद में चल रहे हो। मैंने तुम्हें रुकने के लिए इसलिए कहा क्योंकि तुम लगातार हिंसा में बहते चले जा रहे हो। अंगुली माल बुद्ध की बातों को सुनकर प्रभावित हुआ। अंगुली माल ने कहा कि मैं तुमसे प्रभावित हुआ ऐ भिक्षु, लेकिन मेरा नियम है कि मैं जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसकी अंगुलियां काटूंगा और अपनी देवी मां को चढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अंगुलियां काटी जाए, इसलिए तुम वापस लौट जाओ, किसी और को यहां पर आने दो। तब बुद्ध ने कहा था कि ऐ अंगुली माल, अगर तुम काटने में इतनी ही महारत हासिल रखते हो तो जरा एक काम करो, सामने ये जो पेड़ खड़ा है, इस पेड़ की डाली काट कर बताओ। ये सुनना था कि अंगुली माल ने झट से अपनी तलवार निकाली और पेड़ पर चला दी। पेड़ पर चलते ही तलवार में धार बड़ी तीखी थी और तलवार की धार के कारण अंगुली माल ने पेड़ की डाली काट डाली। बुद्ध ने कहा, ऐ अंगुली माल, तुमने डाली को काट दिया, तुमने फलों को काट दिया, तुमने पत्तों को काट दिया, अब जरा एक काम करो कि जिन पत्तों को तुमने काटा है, जिन पत्तों को तुमने तोड़ा है, कृपा करके वापस इन पत्तों को जोड़ डालो। अंगुली माल चौका, उसने कहा, ऐ भिक्षु, कोई भी काटी हुई चीज वापस जुड़ थोड़ी सकती है, ये तो मैंने काट दिया, अब ये वापस जुड़ नहीं पाएगी। बुद्ध ने कहा, ऐ अंगुली माल, जो आदमी किसी को जोड़ने की ताकत नहीं रखता, उस आदमी को किसी को तोड़ने की ताकत भी नहीं है। जो आदमी किसी को जोड़ना नहीं जानता, उस आदमी को किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। कहते हैं अंगुली माल बुद्ध से इतना प्रभावित हो जाता है कि जिस व्यक्ति का यह संकल्प था कि 1000 इंसानों की अंगुलियां काटकर देवी को चढ़ाएगा, वही अंगुली माल तब बुद्ध का शिष्य हो जाता है, अपनी तलवार फेंक देता है और भिक्षु बन जाता है, चला आता है बुद्ध के साथ और बुद्ध के सभा मंडप में आकर के बैठ जाता है। चारों तरफ हो हल्ला हो जाता है कि बुद्ध ने अंगुली माल को बदल डाला, अंगुली माल का हृदय बदल डाला, अंगुली माल जो इतना आक्रोश में बहता था, हिंसा में बहता था, अब वह शांत मुनि और भिक्षु हो चुका है। बुद्ध ने उसे शांत कर डाला। आहारचर्या का समय हुआ 12 बजे और तब अंगुली माल ने कहा कि भगवान, आहार का समय हो रहा है, मुझे आहार के लिए जाने की रजा दीजिए। तब बुद्ध ने कहा था, अंगुली माल, आज की तेरी आहारचर्या आहारचर्या नहीं है,
बल्कि आज की तेरी आहारचर्या तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी है। आज अगर तू जीत गया तो तू जितेंद्रिय कहलाएगा, अरिहंत कहलाएगा। आज अगर तू हार गया तो निश्चित तौर पर हंता कहलाएगा। अंगुलीमाल ने कहा कि भगवान आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और तब अंगुलीमाल निकल पड़ता है आहार लेने के लिए। चारों तरफ हो हल्ला मच जाता है कि यही अंगुलीमाल आ रहा है जिसने कभी हमारे बाबा की हत्या की, कभी ताऊ की हत्या की, कभी चाचा की हत्या की, कभी मेरी माँ को मारा, कभी मेरी बहन को मारा, कभी मेरे भाई को मारा। ये हंता है, हत्या करने वाला है। लोगों ने उसे घेर लिया, चौपाल पर लोगों ने घेर लिया, चौराहे पर घेर लिया, जूतों से मारने लगे, पत्थरों से मारने लगे, लाठियों से मारने लगे। लहू लुहान हो गया अंगुलीमाल, लेकिन अंगुलीमाल अंतिम घड़ी तक शांत 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 बना रहा, हर हालत में शांत का शांत बना रहा। तभी नीचे गिर पड़ा, लहू लुहान था, नीचे गिर पड़ा कि तभी उसने देखा कि भगवान बुद्ध उसके सामने आए, आते ही उसके माथे पर हाथ रखा और पास में आकर के कहा, कहो अहो अंगुलीमाल, कहो तुम्हारे मन में इस समय क्या हो रहा है। अंगुलीमाल ने कहा, भगवान मेरे मन में बड़ी शांति है, मेरे मन में इतनी शांति साकार हुई है कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसी शांति का अनुभव नहीं किया। बोले तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है। बोले मेरे दिल में बड़ी करुणा पैदा हो रही है, बड़ी क्षमा पैदा हो रही है, इन लोगों के प्रति सहानुभूति पैदा हो रही है। मैं सोचता था कि मैं हंता, मैं पापी, मैं हत्यारा, अरे मैं किस तरह से अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा, लेकिन धन्यवाद है इन लोगों को जिन्होंने मुझे मार मार करके मेरी शांति की परीक्षा ली और मेरे जीते जी ही मेरे सारे पापों को काटने का मौका दे डाला, मेरे सारे पापों को काटने का मौका दे डाला। तब बुद्ध ने कहा, हाथ जोड़े बुद्ध ने, और बुद्ध ने हाथ जोड़ते हुए अंगुलीमाल से कहा था, धन्य है तुम्हें ए अंगुलीमाल, धन्य है तुम्हें। तुमने जिंदगी भर पाप किए थे अज्ञान अवस्था में, लेकिन ज्ञान अवस्था आने पर तुमने केवल एक ही दिन में अपने सारे पापों को काट डाला। और तब बुद्ध ने कहा था, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार, जिन्होंने जीता है अपने भीतर के शत्रुओं को उनको नमस्कार। जो हर हालत में शांत रहते हैं, शांत होते हैं, ऐसे व्यक्ति जीते जी भी शांत रहते हैं, मरते समय भी शांत रहते हैं। ऐसे लोगों के पास निर्वाण और मोक्ष तो अपने आप चला आया करता है। ऐसे लोगों को मोक्ष के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, परमात्मा को पाने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो जहां जिस हाल में होते हैं अपनी शांति के चलते, वे अपनी शांति शांति के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी शांति के द्वारा ही अपनी मुक्ति को साध लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज हम शांति की बात करेंगे, मन की शांति की बात। अगर आपको लगता है आप व्यवहार में गुस्सा करते हैं, अगर आपको लगता है आप मन में चिंता पालते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, ए जीव अब तो शांत रहे, पता नहीं कब किसकी हत्या हो जाए, पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, पता नहीं कब किसके प्राण निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम गति में हम लोग भी मर करके कोई चंड कौशिक सांप बने। हमें हमारी गति को सुधारना होगा, हमें हमारी मति को सुधारना होगा, और मति को सुधारने के लिए शांति का संकल्प लेना होगा। हर हालत में शांत रहूंगा, हर हालत में शांत रहूंगा, चाहे बहू मेरा कहना माने तब भी ठीक, और कहना ना माने तब भी शांति के साथ समझौता नहीं करूंगा। किसी भी स्थिति में अपनी शांति को गिरवी नहीं रहने दूंगा। ये आपको और हमको हर किसी व्यक्ति को संकल्प लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकत में शांति पथ के पथिक बने, विश्व शांति की स्थापना तो बाद में होगी, सबसे पहले अपने मन की शांति की जरूरत है। और अगर मन की शांति चाहिए तो दो दुश्मनों को अपने जीवन से हटा दीजिए, पहला है चिंता और दूसरा है गुस्सा, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। ए जीव सोच, कब तक तू गुस्सा करता रहेगा और कब तक तू अपनी मति और अपनी गति को बिगाड़ता रहेगा। 20 वर्ष का था तब भी गुस्सा करता था, आज 40 वर्ष का हो गया तब भी गुस्सा कर रहा है, 60 वर्ष का हो गया तब भी गुस्सा कर रहा है, और 80 वर्ष का हो गया तब भी गुस्सा करता है। जिंदगी भर में अगर तू धर्म को सुन सुन करके भी अगर गुस्से को न जीत पाया तो तुम्हारा धर्म का सुनना भी व्यर्थ गया, तुम्हारी सामायिकी व्यर्थ गई, तुम्हारी आराधनाएं व्यर्थ गई। जो व्यक्ति अपने गुस्से को ही न जीत पाया वो व्यक्ति समता का मालिक कैसे बन पाएगा, वो व्यक्ति मुक्ति का मालिक कैसे बन पाएगा, जो व्यक्ति अभी तक अपनी शांति को ही उपलब्ध न हो पाया।
हर हालत में शांति, हर हालत में शांति। जिस दौलत को बरकरार रखा जाना चाहिए वो है शांति। और अगर हमें शांति का मालिक बनना है तो मैं पहला सूत्र ही ये देना चाहूंगा, अपने जीवन को बड़ी सहजता के साथ जियो। शांति को जीने के लिए अपने जीवन को बड़ी सहजता से जियो, बड़ी सहजता से जियो। न तो कृत्रिमता रखो, न कुटिलता रखो। जैसा भगवान ने रूप दिया वैसा स्वागत, जैसे भगवान ने परिस्थितियां दी वैसा स्वागत, भगवान ने जैसी पत्नी दी उसका स्वागत, भगवान ने जैसा मकान दिया उसका स्वागत। जो हर हाल में सहजता को जीता है, सहजता का मालिक बनता है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में शांति को जी पाता है। हर हालत में सहजता, हर हालत में सहजता, सहज समाधि भली। सहज में अगर सध जाए तो वही समाधि भी स्वीकार्य है। सहज मिले अविनाशी, मीरा ने पद गाया है कि सहज मिले अविनाशी, वो अविनश्वर सहज में ही प्राप्त हो जाया करता है। याद रखिएगा, चाहे तो आप लोग इस दोहे को नोट कर लीजिए, मैंने इस दोहे को जिंदगी भर जिया है, आप भी चाहे तो अपने जिंदगी में इस दोहे को जी सकते हैं। और दोहा ये है कि सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी, सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वर रक्त सम के जामे खींचा ताने। सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी, कि जिसमें खींच तान चलती हो वो हमारे लिए रक्त के समान है। मांगने से जो सुख मिलता है वो सुख पानी के समान है, लेकिन सहज में जो मिल जाता है वो हमारे लिए दूध और अमृत के समान हो जाया करता है, दूध और अमृत के समान हो जाया करता है। सहजता से लो। क्या क्या चीजें सहजता से लो? नंबर एक, दूसरों के शब्दों को सहजता से लो। कोई व्यक्ति अगर टेढ़ा बोल रहा है तब भी सहजता से लो, और सम्मानपूर्वक बोल रहा है तब भी सहजता से लो। दूसरों के शब्दों को सहजता से लेने की आदत डालो। अगर कोई गाली देता है तो बुरा मत मानो। गाली देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बुरे हैं, गाली देने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो व्यक्ति बुरा है। जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो व्यक्ति बुरा है। गाली देने वाला बुरा होता है, जिसको गाली दी जाती है वो आदमी कभी बुरा नहीं होता। ये समझने की भूल ही मत करना। अगर किसी ने कह दिया कि चंद्रप्रभ बड़ा बुरा इंसान है, तो उसके कहने से न तो मैं अच्छा हुआ और न ही मैं बुरा हुआ। मुझे पता है कि मैं कैसा अच्छा हूं और कैसा बुरा हूं। सामने वाला अगर बुरा कहता है तो कहने वाला बुरा है। सामने वाले ने अगर गधा कहा तो भाई, गधा अगर गधा ना कहेगा तो किसी को घोड़ा थोड़ी कहेगा। गधा किसी को गधा नहीं कहेगा तो घोड़ा थोड़ी कहेगा। अब वो खुद गधा है तो उसको सब गधे ही गधे दिखाई देते हैं। इंसान खुद गधा है तो उसको दूसरे गधे ही गधे दिखाई देते हैं। अगर कोई आदमी गधा कहता है गधे, और अगर आपने जवाब दे दिया क्या बोला, तो अगर आपने जवाब दे दिया इसका मतलब हाँ गधा आप ही हैं, उसने आपको ठीक ही कहा है गधा, तभी तो आपने जवाब दिया। और किसी ने कहा गधा, गधा कोई आपका नाम थोड़ी है, गधा कोई आपकी संज्ञा थोड़ी है, गधा कोई आपकी पहचान थोड़ी है जो आप उसको जवाब दे रहे हैं। कहने वाला गधा, इसलिए वो आदमी गधा। दूसरों के शब्दों को सहजता से लेना सीखो, दूसरों के शब्दों को सहजता से लेना सीखो। किसी ने अगर सम्मान दिया, ठीक है भाई आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं इसलिए मुझे अच्छा कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आदमी अगर प्रणाम करने को आ जाए, ठीक है भाई साहब आपके मन में मेरे प्रति इज्जत की भावना पैदा हुई, आप स्वागत के योग्य हैं, आपका खूब खूब अभिनंदन। अगर कोई आदमी जूता की माला पहनाने आ जाए तब भी बुरा मत मानना। अगर हमें लोग आते हैं पांव में धोख लगाते हैं, अगर कोई आदमी जूतों की माला ले आए पहनाने को ले आए, तो उल्टा ये भाव लाइएगा, ये सकारात्मक विचार लाइएगा कि लाओ भाई माला लाओ, जूतों की माला लाओ, उसको भी पहन के देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि प्रणाम लेते लेते तुम्हारी मनोदशा क्या हुई और जूतों को झेलते झेलते तुम्हारी मनोदशा क्या हुई। अगर कोई 20 जूते एक साथ माला बनाकर ले आए तो आते ही प्रणाम करना कि लाओ भाई मैं तुम्हारे संत हूं, इसलिए तुम्हारे 20 लोगों के पांव में झुक तो नहीं पाता हूं, तुम्हारे जूते लाओ, तुम्हारे जूतों को प्रणाम करके 20 लोगों को प्रणाम अपने आप कर लूंगा, 20 लोगों को प्रणाम अपने आप कर लूंगा। मन की दशा को सहजता से लीजिए और मन की दशा को सहज बनाइए, दूसरों के शब्दों को सहज बनाइए, दूसरों के व्यवहारों को
सहजता से लीजिए, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी व्यवहार क्यों ना कर बैठे, लेकिन दूसरों के व्यवहारों को बहुत सहजता से लेना सीखिए। जैसे कि एक मोहल्ले में दंगा छिड़ गया, और मोहल्ले में इंस्पेक्टर आया, और इंस्पेक्टर ने आते ही चारों तरफ शांति की अपील की। थानेदार और सब लोग साथ में थे, एक व्यक्ति आया, एक युवक आया, और आते ही उसने जोर से उस इंस्पेक्टर पर थूक दिया। कि साथ में चल रहे थानेदार ने झट से अपनी रिवाल्वर निकाली और उसके कंधे पर जैसे ही तानी कि तानने के साथ ही इंस्पेक्टर ने कहा, जरा ठहरो, और ये कहते हुए रिवाल्वर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा कि क्या तुम्हारे पास में रुमाल है? बोले हाँ सर है मेरे पास रुमाल। बोले जरा रुमाल देना। तो उसने रुमाल दिया, उसने थूक पहुंचा, रुमाल फेंक दिया। बोले आओ चलते हैं। बोले सर आप क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, उसने आप पर थूका और आप कहते हैं कि चलो। बोले भाई जिंदगी भर इस बात को याद रखना कि जो काम रुमाल से निपट जाए उसके लिए रिवाल्वर चलाना मूर्खता का काम है। जो काम रुमाल से निपट जाए उसके लिए रिवाल्वर चलाना मूर्खता का काम है। जो काम सुई से निपट जाए उसके लिए तलवार चलाना बेवकूफी नहीं तो और क्या है? अरे जो बात तुम प्रेम से समझा सकते हो उसी बात को अगर तैश में आकर के कहते हो तो इसको बेवकूफी न कही जाए तो और क्या कही जाए? जो बात हम लोग तैश में आकर के कहते हैं, गुस्से में आकर कहते हैं, तेरे बाप की तेरी मां की, अरे भाई क्यों अपनी जबान को खराब करते हो, क्यों अपनी भाषा को अशिष्ट बनाते हो? अपनी बात को प्रेम से कह दो, शिष्टता से कह दो। नौकर को भी कहना है, डांट भी लगानी है तो शिष्टता से लगाओ ना। किसने मना किया कि आप अपने नौकर को मत डांटो? लेकिन डांटने में भी एक सभ्यता तो होती है, डांटने में एक शिष्टता तो होती है। दूसरों के व्यवहारों को, दूसरों के शब्दों को हमेशा सहजता से लेना सीखिए। सास ने अगर कह दिया कोई बात नहीं, प्यार भी तो वही करती है। सास ने अगर दो टेढ़े शब्द कह दिए तो बुरा मत मानिए। अरे भाई सास अगर दो टेढ़े शब्द कह दिए तो बुरा मत मानिए। अरे सास अगर शक्कर की होगी तब भी टक्कर तो मारेगी। सास अगर शक्कर की होगी तब भी टक्कर तो मारेगी। कृपा करके सास के कहे हुए शब्दों को बुरा मत मानिए, क्योंकि प्यार भी वही करती है। बहू से अगर गलती हो जाए तो सासू माँ इतना हाका हुका मत कीजिए, आखिर घर का काम भी तो वही करती है। कृपा करके समझौता रखिए। जिंदगी में एक गीत मैंने बड़ा अपनी जिंदगी में जिया है, अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में उस गीत को जी सके तो जी लीजिए। और वो गीत है, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुबन फिर भी खेलते हैं। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में समझौता करना सीखो। पति पत्नी भाई बहन सास बहू, चार दिन का जीना है, सब लोग यही छोड़ छोड़ा के जाएंगे। जब जाओगे ना तब अपने साथ न तो एसी ले जाओगे और न ये खजाना ले जाओगे। जब जाओगे एसी तो छोड़ो, नीम की छाया भी न ले जा पाओगे, और खजाना तो छोड़ो अपने साथ एक मुट्ठी आटा भी साथ में न ले जा पाओगे। यही सब छोड़ छोड़ा के जाना है, किसी के साथ कुछ भी जाना नहीं है। फिर क्यों ना अपनी जिंदगी को सहजता से जीने की आदत डाले, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए हर परिस्थिति को सहजता से लेने की आदत डालिए। घाटा लगेगा मुनाफा होगा, व्यापार करोगे तो दो में से एक परिणाम आएगा, या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अब कोई हर बार फायदा ही फायदा तो होगा नहीं। अब सचिन तेंदुलकर अगर बल्ले से मारेगा तो जरूरी नहीं है कि वो चौका लगेगा या छक्का लगेगा, हो सकता है कैचअप भी हो जाए। मारा तो था छक्का लगाने के लिए लेकिन कैचअप हो गया, तो कैचअप हो सकता है। ये पहले से मानकर चलो कि भाई जिंदगी है और जिंदगी में हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती, यहाँ पर परिस्थितियां बदलती हैं, प्रकृति का धर्म है। कभी रात है कभी दिन है, कभी यहाँ पर गर्मी है और कभी यहाँ पर सर्दी है। जब प्रकृति का नियम ही परिवर्तनशीलता है तो फिर क्यों ना हर तरह के परिवर्तन को हम समझ लें। क्यों जी 5 मिनट पहले जो विचार थे क्या वो अभी भी हैं? विचार बदल गए। कपड़े पहने जो कल के थे वो आज बदल गए। कपड़े बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, भोजन बदल जाता है। रात को लगाया था इत्र अपनी बगल में, अब अगर सूंघेंगे तो पता चलेगा कि बदबू आ रही है। सब चीज यहाँ बदलती है, परिवर्तनशीलता प्रकृति का धर्म है। जब सब चीजें बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलती है, हालात भी यहाँ पर बदलते हैं। और जब हालात बदलना तय है, हमेशा फायदा नहीं हो सकता। पहले से तैयार रहो कि घाटा हो सकता है।
खेलेंगे, या तो जीतेंगे या हारेंगे, व्यापार करेंगे या तो फायदा कमाएंगे या फिर नुकसान उठाएंगे। अब अगर हम लोगों ने ये ग्राउंड अगर उपयोग किया है, तो इस गली में ग्राउंड था तो पता चला कि भाई ग्राउंड बिल्कुल गली में है, एक गड्ढे में है, कोई बात नहीं, भी गड्ढे में भी अपना भाग्य आजमा कर देखते हैं, गड्ढे में भी बैठ करके बोल करके देखना चाहते हैं, देख लेंगे, दो में से एक फायदा होगा, या तो लोग आएंगे नहीं और या फिर ग्राउंड भर जाएगा। दो में से एक, पहले से तैयार रहना चाहिए। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इसीलिए कहना चाहता हूं परिस्थितियों को भी सहजता से लेना सीखो। ये जीवन जीने की कला है, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है, द वे ऑफ गुड लाइफ। बेहतर जीवन जीने का रास्ता यही है कि हर हालात में सहजता से जीने की आदत डालो। एक बहुत प्यारे संत हुए, संत का नाम है हाकुइन। जैन फकीर हुए, जापानीज फकीर, संत हाकुइन कहते हैं कि एक युवती थी, बड़ी सुंदर खूबसूरत युवती थी, और उस खूबसूरत युवती के एक बार गर्भ हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा पैदा करने वाली थी, गर्भ हो गया। तो घर वालों ने उस युवती को पकड़ा, क्योंकि युवती अविवाहित थी, घर वालों ने युवती को पकड़ा और कहा कि बता कि तेरे पेट में बच्चा किसका है, किसका पाप तू ढो रही है। उसको और तो कोई नाम न सूझा, पड़ोस में ही रहते थे संत हाकुइन, उसने झट से इशारा कर दिया संत हाकुइन का है। घर वाले लोग संत हाकुइन के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे आपने ऐसा 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 किया, ये हमारी बेटी कहती है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका है। संत हाकुइन ने उनकी बातें सुनी और बातें सुनकर कहा ओ तो ऐसा है, ठीक है। संत हाकुइन ने जवाब दिया ओ तो ऐसी बात है, ठीक है, इज दैट सो, ओ तो ऐसी बात है, ठीक है। उन्होंने कबूल कर लिया, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को लाकर के संत को दे दिया गया। संत अगल बगल से दूध मांग करके बच्चे को पिला दिया करते, अगल बगल से दूध मांग करके बच्चे को पिला दिया करते, बच्चे का पालन पोषण होने लगा। करीब 3 साल बीत गए, अचानक युवती बीमार पड़ गई और युवती मरणासन्न हो गई। युवती के प्राण निकलने वाले थे, लेकिन युवती ने मरने से पहले कहा अपने परिजनों से कि मम्मी पापा मैं मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूं। बोले तुमने क्या पाप किया? बोले कि वो जो मैंने नाम बताया था संत हाकुइन का, हकीकत में ये बच्चा संत हाकुइन का नहीं है बल्कि फिश मर्चेंट का है, मैं डर के मारे उसका नाम ना बता पाई और मैंने संत हाकुइन का नाम दे दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो इस चीज को कबूल कर लेंगे, वो महान संत हैं, ये बच्चा उनका नहीं है। घर वालों को बड़ी फीलिंग हुई कि हमने इतना बड़ा पाप एक संत पर चढ़ा दिया और संत इतना महान निकला कि उसने कोई प्रतिक्रिया न की, शांति से कबूल कर लिया। संत हाकुइन के पास घर के सारे परिजन पहुंचे और जाकर के सत्य बताया और कहा कि वो बच्चा आप हमें वापस लौटा दीजिए, वो बच्चा आपका नहीं है। संत हाकुइन अपनी कुटिया में गए, बच्चे को उठाकर लाए, उनकी गोद में थमाते हुए कहा ओ तो ऐसी बात है, ठीक है, ओ तो ऐसी बात है, ठीक है। जो संत अगर इतना बड़ा लांछन लगा दिया गया लेकिन फिर भी उसको सहजता से लिया, और अगर लांछन उतर गया तो उसको भी उन्होंने सहजता से लिया, इसको कहते हैं असली फकीरी, इसको कहते हैं असली साधु कड़ी, इसको कहते हैं असली साधु कड़ी, इसको कहते हैं सहजता से जीना। चाहे कोई सम्मान दे तब भी और अपमान दे जाए तब भी, दोनों हालातों में जो व्यक्ति सहजता से जी लिया करता है वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में शांति का मालिक बना करता है। हर हालत में सहजता से लो, घटना घट गई सहजता से लो, दुर्घटना घट गई सहजता से लो। लोग होते हैं ना समझ, जो किसी के जन्म लेने पर थालियां बजाते हैं, किसी के मरने पर आंसू ढुलकाते हैं। भाई ये तो संयोग है, जन्म लेना भी एक संयोग है और मर जाना भी एक संयोग है। जो जितना आयुष्य लिखा कर लाया है वो उतना आयुष्य पूरा होते ही अपने आप चले जाने वाला है, रोना किस बात का? और अगर कोई पैदा हो गया तो इसमें हंसना किस बात का? कोई तुम्हारे हाथ में थोड़ी है पैदा करना, तुम्हारे हाथ में पैदा करना होता साल के 365 दिन में 365 बच्चे पैदा ना कर देते, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। जन्म मरण यश अपयश हरि हाथ, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है कि कब क्या होगा और कब क्या
नहीं होगा। संयोग जो मानता है वही व्यक्ति सहजता से जिया करता है। इसको आप यूं समझिए, एक व्यक्ति एक संत के साथ जा रहा था कि तभी पीछे से एक विरोधी व्यक्ति आया और उसने पीछे से जाकर संत पर लाठी का प्रहार कर दिया। लाठी का प्रहार किया, इतना जोर से किया कि हाथ से लाठी छिटक गई। वो तो दौड़ा वापस, संत लाठी लेने के लिए नीचे झुका, लाठी उठाई और पीछे से आवाज लगी, ए भाई जरा अपनी लाठी तो लेता जा। साथ चल रहे युवक ने कहा, भगवान आप कैसी बात करते हैं, इसने आपको लाठी मारी और आप लाठी लौटा रहे हैं, दो चार टिका नहीं देते आप उसके। बोले भाई हकीकत यह है कि जब मैं झुका था तब तो बात भावना यही थी कि उठा के इसके भी टिकाता हूं, लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ तो भावना दूसरी हो गई। बोले क्यों भगवान, क्या भावना हो गई? बोले भाई भावना यह हो गई कि मुझे इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? बोले भाई सोच कि अपन यहां से चल रहे थे तो मैंने सोचा कि लाठी लेने के लिए नीचे झुका, उठा करके जैसे ही ऊपर उठा के नजर पड़ी ऊपर के पेड़ पर, सोचा अरे भाई उस युवक ने तुम पर लाठी मारी, अगर तुम इधर से गुजर रहे होते और पेड़ पर से कोई डाली गिर के नीचे तुम पर गिर जाती तो क्या तुम पेड़ को मारने के लिए दौड़ते? बोले गुरुजी वो तो एक संयोग होता। गुरुजी ने कहा जब उसको एक संयोग माना जा सकता है तो इसको संयोग क्यों नहीं माना जा सकता, जब उसको संयोग माना जा सकता है तो इसको संयोग क्यों नहीं माना जा सकता। बस ये है सहजता से जीने का उपक्रम, ये है सहजता से जीने का तौर तरीका। जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे विपरीत परिस्थिति आए चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, हर परिस्थिति को सहजता से लो, शब्दों को भी, व्यवहारों को भी और परिस्थिति को भी। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। जय हो। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पाँव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख दोनों, सुख दुख दोनों, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, धूप तो कभी छांव। क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, ले लो ये जीवन की सच्चाई का बोध है, मन की शांति की तरफ बढ़ने का बोध है ये। क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान सीखे ना जग नदिया में, ध्यान सीखे ना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाम। कभी धूप तो कभी छाऊं, कभी धूप तो कभी छाऊं, कभी धूप तो कभी छाऊं, कभी धूप तो कभी छाऊं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छाऊं। परिस्थितियां बदलेंगी, सुख और दुख बदलेंगे, फायदे और नुकसान के वातावरण बदलेंगे। दुनिया में तय है दो में से एक चीज हाथ लगेगी, या तो ये हाथ लगेगा या वो हाथ लगेगा। दो नावों में एक साथ सवारी नहीं की जा सकती, या तो शांति हाथ लगेगी या फिर पैसा हाथ लगेगा। ये तो अपने आप में फैसला करना होगा कि हम लोग अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, जिंदगी से क्या चाहते हैं। यूं ही गुस्सा करते रहना चाहते हैं, यूं ही चिंता पालते रहना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी में शांति का फैसला करना चाहते हैं। अच्छा होगा जब जब लगता है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई अप्रिय हादसा हो गया, कभी कोई अप्रिय हादसा हो गया, भूल जाइए, सहजता से लीजिए। अप्रिय हादसे को, अप्रिय घटनाओं को भी सहजता से लेने की आदत डालिए। अगर लगता है आप किसी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, सामना कर लीजिए। लगता है परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते तो क्या करो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, मधुबन फिर भी खिलते हैं। पतझड़ आते रहेंगे लेकिन फिर भी विश्वास रखो कि मधुबन कहीं न कहीं से खिलेगा। अगर भाग्य के 99 द्वार कभी बंद भी हो जाएं, तब भी विश्वास रखो ईश्वर के घर से कोई न कोई एक द्वार अवश्य खुल जाएगा। तब भी विश्वास रखो कि कोई न कोई एक द्वार अवश्य खुल जाएगा। अगर कोई स्थिति लगती है कि यह स्थिति मेरे सुलझाए नहीं सुलझ सकती, समझौता नहीं कर सकती, उस स्थिति को प्रभु पर डाल दीजिए, वक्त पर डाल दीजिए। भगवान सबकी व्यवस्थाएं करता है। जो समस्या हमारे सुलझाए न सुलझे, उस समस्या को भगवान पर छोड़ दीजिए। अपने आप भगवान, वक्त आने पर फल अपने आप टूट जाया करता है, वक्त आने पर समस्या का समाधान भी अपने आप हो जाया करता है। अगर पिताजी को लगता है कि दो बेटे हैं, दोनों को बहुत तेरा समझा दिया लेकिन मानते ही नहीं, अगर हमारे मनाए ना माने, चिंता मत पालिए, छोड़ दीजिए उसको, वक्त पर छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान अपने आप उनको संभालेंगे, भगवान अपने आप सब कुछ उसको निपटाएंगे। वक्त बड़े बड़ों को ठीक कर देता है, वक्त अमीरों की अमीरायत ले जाता है, गरीबों की गरीबी का हरण कर लेता है। ये वक्त है, ईश्वर सबको मौका देता है, गिरने का भी मौका देता है और ऊपर चढ़ने का भी मौका दिया करता है। ईश्वर का काम ही है मौका देना, और वो सबको मौका देता है, सबकी समस्याओं का हरण करता है। केवल अपनी मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है, केवल अपनी मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। ऐसा हुआ, एक बूढ़ी महिला को कैंसर हो गया, एक बूढ़ी महिला को स्तन कैंसर हो गया, और कैंसर हुआ, वो अस्पताल पहुंची, कैंसर दिखाया, चेकअप हुआ और घोषित हो गया कि कैंसर है, और पता चल गया कि अमुक दिन अब उसका ऑपरेशन भी होने वाला है। उसने अपने बच्चों को बुलाया, लड़का और लड़की दोनों को बुलाया और कहा कि बेटा ये रही संपत्ति, ये रही जायदाद, और सभी चीजें उसने उन लोगों को सौंप दी। बेटा बेटी ने कहा कि मम्मी अचानक तुम्हें क्या हो गया कि जो अचानक तुमने फोन करके हम लोगों को बुलाया, परदेश से बुलाया। मम्मी ने कहा बस बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सोचा जाने से पहले जो जो भी तुम लोगों को देना है दे दो। बता दिया अमुक बैंक में इतना पैसा है, अमुक तुम लोगों की संपत्ति है, अमुक जायदाद है, अमुक खेत है। दो दिन बच्चे रहे और चले गए। वृद्धा को कैंसर था, अकेली चली गई हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, आप अकेली आई हैं, क्या कोई और आपके साथ नहीं है, क्या अकेली आई हैं, कोई और आपके साथ नहीं है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा डॉक्टर आप मेरे साथ हैं ना। किसने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, आप मेरे साथ हैं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। डॉक्टर ने सोचा हो सकता है इसके कोई संतान ना होगी इसलिए ये अकेली चली आई है। डॉक्टर ने पूरा ख्याल किया, ऑपरेशन हो गया और थोड़े दिनों में वृद्धा स्वस्थ भी हो गई। डॉक्टर ने कहा अगर आपके कोई दूर का रिश्तेदार हो तो फोन करके बुलवा लीजिए, क्योंकि आज आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है, आज आप हॉस्पिटल से रवाना होने वाली हैं, तो
तो वृद्धा ने अपने बेटे और बेटी का फोन नंबर दिया और कहा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इनको फोन करके बुला लीजिए। बेटा बेटी दौड़े चले आए और जब पता चला कि माँ को कैंसर हो गया था, माँ ने ऑपरेशन भी करवा लिया और बेटा और बेटी को पता भी न चलने दिया। बेटा बेटी बहुत नाराज हुए कि माँ ये क्या आप करती हैं, आपको कैंसर हो गया और आपने बेटा बेटी को सूचना तक न दी, अकेले ही ऑपरेशन करवा दिया, हमें बुलाया तो केवल संपत्ति दी, ये आपने ठीक न किया। माँ ने कहा बेटा तुम भले ही कहो कि मैंने ये ठीक न किया, लेकिन बेटा बात तब की है जब तुम पैदा होने वाले थे, तो सच्चाई ये है कि एक वक्त था जब तुम पैदा होने वाले थे डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, या तो महिला बचेगी या फिर बच्चा बचेगा। घर वालों ने भी सबने साइन कर दिया कि अब जो भी होना होगा सो होगा, आप महिला को बचा दीजिए, हमारे घर की लक्ष्मी को बचा दीजिए, बच्चा मरेगा तो कोई बात नहीं, अगर महिला रहेगी तो फिर बच्चा पैदा भी हो जाएगा। लेकिन मैंने तब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ईश्वर को याद किया, अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप दिया और कहा कि हे ईश्वर अब मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ। घर वालों ने तो डॉक्टर के हाथों सौंप दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हारे हाथों सौंपती हूँ। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जच्चे को भी बचाओ और बच्चे को भी बचाओ। बेटा तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, तब भगवान की कृपा से जच्चा भी बच गया और बच्चा भी बच गया, महिला भी बच गई और बच्चा भी बच गया। मैंने तब यही सोचा कि उस समय जब मैंने ईश्वर पर भरोसा किया और उस पर भरोसा करके तब भी मैं बच गई, तो क्या मैं अब नहीं बचूंगी, क्या मैं अब नहीं बचूंगी। बस यही सोच करके मैंने अपने आप को ईश्वर के हाथों थमा दिया, तब भी मैं बची और आज भी मैं फिर बच गई। जब ईश्वर है तो उसी पर सौंपू ना, बेटा और बेटी तो बाद में भी संभालने को काम आ जाएंगे, पहला समर्पण तो ईश्वर के प्रति ही हो जाए। जब लगता है अपने किए कुछ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप दीजिए। भगवान सबकी लाज रखता है, भगवान अपने आप हर समस्या का समाधान निकाल दिया करता है। मैंने इसीलिए निवेदन किया सहजता से जियो, हर हालत में सहजता से जियो, और सहजता से जीते हुए कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि स्थिति आपके कंट्रोल के बाहर हो गई, उस स्थिति को परमात्मा पर छोड़ दीजिए, परमात्मा अपने आप उस स्थिति का सार संभाल कर लेंगे। जिनके दिल में विश्वास होता है उनके लिए समाधान निकल जाता है, जिनके दिल में समाधान नहीं होता वो अंतिम घड़ी में भी कच्चे पड़ जाया करते हैं। मन की शांति ये आपके हाथों में है कि अगर आप मन की शांति के मालिक बनना चाहते हैं, आप अपने आप में फैसला कीजिए और फैसला करके अपने आप में ही ये संकल्प लीजिए कि मैं हर हालत में शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, शांत रहूंगा। और अगर शांत रहना है तो अच्छा होगा एक फैसला और कर लीजिए कि मैं हर हालत में शांत रहूंगा और हर हालत में प्रसन्न रहूंगा, चाहे जैसे हालात हो जाए लेकिन मैं हर हालत में शांत और प्रसन्न रहूंगा। परिस्थितियां बदलेंगी, फिर कह देता हूं हो सकता है आप यहां से घर जाएं और घर जाते ही वातावरण दूषित हो जाए, ये मुमकिन है, लेकिन अपने आप में अगर ये फैसला है मैं हर हालत में शांत रहूंगा और हर हालत में प्रसन्न रहूंगा, जिस व्यक्ति का ये फैसला रहा करता है वो व्यक्ति परिस्थितियां भले ही बदल जाए लेकिन वो व्यक्ति खुद नहीं बदलता और हर परिस्थिति का सामना करने में सफल हो जाता है। अपनी जेब में हमेशा ऐसा सिक्का रखिए, अपनी जेब में हमेशा ऐसा सिक्का रखिए जो चाहे चित गिरे या पुट लेकिन हर हालत में आपको प्रसन्न रखे। एक तरफ खुशी और एक तरफ ना खुशी ऐसा रखने की बजाय दोनों तरफ खुशी ही रखिए कि चित गिरे तब भी आनंद और पुट गिरे तब भी आनंद, घर में कोई मर जाए तब भी आनंद और कोई पैदा हो जाए तब भी आनंद। अगर नफा हो जाए तब तो आप सभी लोग आनंदित तो होंगे ही, पर मैं तो कहना चाहूंगा अगर कभी नुकसान भी हो जाए तो भी आनंद, उस आनंद दशा का अनुभव करके देखिएगा, तब परिणाम ये होगा वो घाटा तो लगेगा लेकिन घाटा आप पर असर नहीं डाल पाएगा, घाटा आप पर असर नहीं डाल पाएगा। घाटा लग सकता है, कभी गाली मिल सकती है, कभी अपमान मिल सकता है, इस दुनिया में जीते हैं, स्वार्थ भरी दुनिया में जीते हैं, और स्वार्थ भरी दुनिया में कभी कौन किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब परिस्थितियां बदलनी तय है, शब्द बदलने तय हैं, व्यवहार बदलने तय हैं, तो फिर इस हर हालत में परिवर्तनशील दुनिया के बीच में अपने आप में सहजता से जीने की आदत
क्यों न डाली जाए। मन की शांति इंसान के जीवन का स्वर्ग है और मन की अशांति ही जीवन का नरक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर हालत में अपनी शांति का मालिक बनूं, तो आज से ही हर शब्द को, हर व्यवहार को, हर परिस्थिति को अपने आप में यह संकल्प लेना होगा, यह फैसला करना होगा। और फैसला यह होगा, मैं आज से शांत रहूंगा। घर में चाहे जैसी स्थिति बन जाए, लेकिन अपने घर में जाकर एक बोर्ड टांग दीजिए, एक थोड़ा सा या तो कागज का अच्छा सा टुकड़ा ले लीजिए, और या फिर एक गत्ता पुट्ठा ले लीजिए, उस पर लिख दीजिए, हे जीव अब तो शांत रह, हे जीव अब तो शांत रह। और जैसे ही लगे गुस्सा आने वाला है, झट से उस तख्ती को पढ़ लीजिए जिस पर लिखा हुआ हो हे जीव अब तो शांत रह। अगर घर वाले आपको लगते हो, ऐ मेरे भाई बहनों, आपको अगर लगता हो कि घर में कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा कर रहा है, झट से एक बार इतना तो दिखाने की हिम्मत कर ही सकते हैं घर में जाकर के। अगर लगता है सासू माँ को आप नहीं कह सकती कि सासू माँ थोड़ा धीमे बोला करें, थोड़ा हो हल्ला मत किया करें, बस एक पुट्ठा घर पर जाकर के मेरी तरफ से टांग दीजिए, आप अपनी तरफ से मत टांगिए, मेरी तरफ से टांग दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, भाई किसने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा था और गुरुजी ने कहा, इसलिए घर में ला करके एक तख्ती टांग दी और तख्ती पर लिख दिया हे जीव अब तो शांत रह। अरे कब तक गुस्सा कर करके तू अपनी गति को बिगाड़ता रहेगा, अब तो शांत रहना सीख। और जब से ही हमारी नजर इस पर पड़ेगी, हम शांत हो जाएंगे। अगर व्यक्ति ये फैसला कर ले कि मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, शांत रहूंगा, तो उसकी शांति ही